नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जिग्नेश हर्षद राय परमार के होम्योपैथिक चैनल में आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। अगर आप ये चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर एक नए आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और बेल आइकन के बाद में दोस्तों आपको ये भी देखना है कि सिलेक्ट ऑल करना, तभी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलेंगे, क्योंकि अभी YouTube ने उसमें चेंजेस किए हुए हैं कि आपको बेल आइकन अकेला दबाते हैं तो थोड़े से ही नोटिफिकेशन आएंगे, पर सिलेक्ट ऑल करोगे तो सभी नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो दोस्तों अभी सीधे ही आज के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जो जनरली उम्र वाले लोगों को होती है, वरिष्ठ नागरिकों को होती है, जैसे 60s क्रॉस करने के बाद नॉर्मली पाई जाती है। पर आजकल जो मोबाइल टीवी वगैरह ज़्यादा ही कुछ उपयोग होने लगा है तो उस वजह से ये यंग लोगों को भी यानी होने लगा है। कई लोगों को कंजेनिटल भी होता है, यानी जन्म से भी हो सकता है, तो वो अलग बात होती है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। पर दो तरह से, एक एजिंग प्रोसेस यानी उम्र के साथ होता है, दूसरा कोई बाहर के कारणों के साथ होता है, तो ये मोतियाबिंद इन सब चीज़ों से होते हैं। अब मोतियाबिंद क्या है सबसे पहले वो बता देंगे कि व्हाट इज कैटरेक्ट क्या है। तो जो कैटरेक्ट या मोतियाबिंद एक ऐसी चीज़ है कि जो आपका जो लेंस होता है उसको धीरे धीरे करके वो धुंधला बना देता है और आपको जो दिखने में दिक्कत होने लगती है, पहले थोड़ा सा धुंधला दिखता है, फिर ज़्यादा धुंधला दिखता है, और लास्ट में ऐसा एक स्टेज आता है कि आप बस अपना जो हाथ है उसकी लंबाई तक का डिस्टेंस यानी दो उंगली जितना पढ़ पाए, इतना टू फिंगर इस तरह से कहा जाता है, टू फिंगर रीडिंग डिस्टेंस, तो ये लेवल पे जब आ जाता है तब डॉक्टर्स ऑपरेशन की सलाह देते हैं। तो नॉर्मली ये चीज़ होती है कि धीरे धीरे वो फिंगर काउंटिंग से ज़्यादा बचता नहीं है विजन, यानी आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसे भी आप नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से वो कैटरेक्ट धीरे धीरे डेवलप होता है। लेंस जो होता है उसमें डीनेचर प्रोसेस होता है, मानिए प्रोटीन से लेंस बना रहता है तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, और उम्र के साथ ही एजिंग प्रोसेस से होता है, उम्र के साथ बिगड़ता जाता है। तो एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है और आपको लगभग दिखना बंद हो जाता है। तो उस टाइम पर उसको निकाल के ऑपरेशन करके आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है कि जिससे वो एकदम क्लियर कोई भी व्यक्ति है वो देख सके। पर दोस्तों दूसरे भी ऑप्शंस रहते हैं, तो हम वही बताना चाहते हैं बेसिकली कि मोतियाबिंद है या कैटरेक्ट है उसको बिना ऑपरेशन से कैसे कंट्रोल किया जाए या रोक दिया जाए या ख़त्म भी किया जा सके। अगर शुरुआत का स्टेज है दोस्तों तो टोटली ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको रोका जा सकता है, लंबे समय तक उसको खींच सकते हैं और हो सकता है वो पूरा ख़त्म भी हो जाए, पर उसमें 100% बताना मुश्किल होता है। पर इतना कंसर्न है कि इनिशियल स्टेज में अगर वो यानी दवाइयाँ की जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। तो मोतियाबिंद क्या है वो तो आपको बता दिया गया, कैटरेक्ट क्या है वो बता दिया गया, अभी कैटरेक्ट क्यों होता है वो भी थोड़ा सा तो बताया था, पर डिटेल में बताएंगे कि कैटरेक्ट क्या है। तो कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद जो है वो ऐसी चीज़ है कि आपकी आँख में जो आप देख सकते हैं तो वो एक लेंस की वजह से देख पाते हैं। अब लेंस जो होता है आँखों का जो लेंस ओरिजिनल लेंस वो जो है प्रोटीन से बना होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि समय के साथ धीरे धीरे करके एक डीनेचरिंग प्रोसेस होता है, एजिंग प्रोसेस होता है, जैसे उम्र के साथ दांत गिरने लगते हैं उसी प्रकार से उम्र के साथ जो आँख है आँख के अंदर जो लेंस होता है उसका जो डीनेचर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना, उसमें खराबी पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस वजह से धीरे धीरे करके लेंस जो है वो कमज़ोर होता जाता है और उसमें ब्लरनेस आने लगती है, यानी वो सिकुड़ जाता है और उस वजह से उसमें जो दिखने में दिक्कत होने लगती है। जो आप इमेज जो आप कोई भी चीज़ देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब रेटिना पे होना चाहिए, पर्दा जो होता है आँखों का कहा जाता है रेटिना, तो उसके ऊपर जो प्रतिबिंब गिरना चाहिए वो नहीं होता, आसपास गिरता है। और ये जो कैटरेक्ट का जो बताया उसमें तो इतना लेंस ब्लर हो जाता है कि आपको ऐसे लगता है जैसे आपके आगे कुछ बादल रख दिया और उसमें से आपको देखना हो। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है, धीरे धीरे जो लेंस डीनेचर होता है ख़राब होता है और आपका दिखना धीरे धीरे बंद हो जाए, लास्ट में आपका इतना फिंगर काउंटिंग डिस्टेंस बचता है कि आप ये उंगलियां गिन सको उतना ही डिस्टेंस बचता है।
तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, अभी तक जो होता था कि हर एक व्यक्ति को जैसे मोती आ जाता है, डॉक्टर सलाह देते हैं ऑपरेशन कर दो, बात खत्म करो, और उसमें रिस्क कम रहता है, पर कई लोगों को ऑपरेशन फेल होने की वजह से दिखना टोटली बंद हो जाता है, तो वो एक परेशानी वाली बात होती है। तो इसलिए हम जो कुछ ऐसा रास्ता आपको बताना चाहते हैं कि जिससे क्या होगा कि आप ऑपरेशन से भी बच पाओगे और आप अच्छे से देख भी पाओगे, पर आपको ये लंबे समय का प्रोसेस है, तो धीरे धीरे करके उसमें कमी महसूस होती है और फिर वो ख़त्म भी हो जाता है। और यंग लोगों में अगर होता है तो उसके काफ़ी सारे अलग कारण होते हैं, जैसे डीनेचरिंग प्रोसेस तो कभी भी किसी को भी हो सकता है, नॉर्मली ओल्ड एज में होता है, पर प्रीमैच्योर जो एजिंग भी ऐसा हो सकता है कई बीमारियों की वजह से, दूसरी जो बीमारी हो एसोसिएटेड उसकी वजह से लेंस प्रीमैच्योरली ख़राब हो जाता है और उसमें दिखने में बंद हो, तो उसमें भी ऑपरेशन करवाना पड़ता है या फिर उसका दूसरे तरीके से इलाज करना होता है। अब जो कंजेनेटल बताया था कि जन्म से ही किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसको वो बच्चा बड़ा होने पर ऑपरेशन करके सही करना पड़ता है। कंजेनेटल कोई भी चीज़ हो दोस्तों, उसमें दवाइयाँ जनरली काम नहीं करती हैं, इसलिए उसका ऑप्शन जो है वो ऑपरेशन ही रहता है। पर दूसरे कोई भी कारण से जैसे जन्म के बाद में कभी भी कुछ हुआ हो तो उसका सॉल्यूशन होम्योपैथी में बेस्ट होता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, तो उससे वो क्लियर किया जा सकता है। अब थर्ड पार्ट जो है वही हम बताना चाहते हैं कि मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, माने उसका जो है ध्यान क्या रखना चाहिए और उससे बचा कैसे जा सकता है, प्लस उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो बचा जाने के लिए तो एक सिंपल सी बात होती है कि आपको जितना हो सके उतना पानी डालते रहना है ताकि आपके आँख में कोई इन्फेक्शन, आपकी आँख में कोई इन्फेक्शन ना लगे और आपकी आँख सुरक्षित रहे, प्लस दूसरा कोई जैसे अंदर कुछ लग जाता है तो उसकी वजह से भी आँखों को डैमेज होता है, तो वो भी ना हो, तो वो संभालने का आपके हाथ में होता है। अब लास्ट जो स्टेप होता है वो ट्रीटमेंट का है कि उसका इलाज। तो दोस्तों इलाज के लिए होम्योपैथी में बेस्ट दवाइयाँ अवेलेबल है, आप उसके लिए किसी करीब में होम्योपैथ से भी कॉन्सल्ट कर सकते हैं या आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो है 9067145149, जो व्हाट्सएप में इसके थंबनेल में भी दिखा, यानी व्हाट्सएप में अवेलेबल है और थंबनेल में भी ये नंबर दिया जाएगा, तो वो नंबर आप सीधा ही उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको उससे दवाई भेज दी जाएगी जिससे आपका ये प्रॉब्लम है वो परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से ये वीडियो को एंड अप करने से पहले आपको ब्रीफ कर देते हैं कि कैटरेक्ट क्या है, क्यों होता है और उसका इलाज क्या है, वो सब चीज़ आपको बता देते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले कि कैटरेक्ट क्या है, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद एक ऐसी चीज़ है कि जो हम देखते हैं वो लेंस के थ्रू देखते हैं, वो लेंस बाय डिफ़ॉल्ट यानी जन्मजात हमारे अंदर रहता ही आँखों के अंदर, तो वो उम्र के साथ या दूसरे कोई कारण से वो लेंस में डैमेज होना स्टार्ट होता है, यानी उसका जो एजिंग प्रोसेस होता है और प्रोटीन से बना लेंस होता है इसलिए डीनेचर होने लगता है, तो लेंस वो धीरे धीरे ख़त्म होता है, इससे धुंधला दिखना स्टार्ट होता है, जिससे कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहा जाता है। अब सेकंड स्टेप में कि मोतियाबिंद का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले तो आपकी आँखों को साफ रखना, पानी जितना हो सके उतना, दिन में 15-20 बार 30 बार आँखों को पानी से धोते रहो साफ पानी से, तो कचरा नहीं जमा होगा और उससे एक एक्सरसाइज भी होगी, तो हो सकता है कि आपके आँखों के जो प्रोटीन के यानी है उसको नरिशमेंट मिलता रहे, तो डीनेचर का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होगा, यानी जल्दी से वो लेंस ख़राब नहीं होगा और लंबे समय तक आप आसानी से देख पाएंगे। तो ये एक हुआ जो मैनेजमेंट है कि बिना दवाई के क्या होता है। अब लास्ट स्टेप जो होता है कि दवाई का होता है, तो दवाई के बारे में अगर बताएं तो होम्योपैथिक दवाई इसमें बेस्ट है, उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है और नियर बाय 100% मिलता है। अगर इनिशियल स्टेज में किया जाता है, जैसे थोड़ा सा धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, आप डॉक्टर को दिखाते हैं, आँख के डॉक्टर को बताते हैं कि ये मोतियाबिंद या कैटरेक्ट के होने की शुरुआत है, तो उस स्टेज में अगर आप हमें कंसल्ट कर लेते हैं और होम्योपैथिक दवाई स्टार्ट कर देते हैं तो 99.99% ये क्लियर हो ही जाता है। 1% केस में अगर कुछ ध्यान न रखा जाए या दूसरा कोई प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो तो वो सॉल्व नहीं हो सकता है, बाकी मोस्टली सभी केस में ये सॉल्व हो जाता है और आपको मोतिया नहीं आता है, आप लंबे समय तक उसके बिना आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो में सबसे पहले लाइक कर लीजिए, अगर आपने लाइक भी कर लिया है तो आप कमेंट करके अपना सुझाव लिख लीजिए कि आप क्या चाहते हैं हमसे, नया क्या चाहते हैं और हमारे वीडियो में आपको क्या चेंजेस चाहिए वो सब लिख लीजिए, और ये भी हो चुका है तो उसके बाद में
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का जो बटन रहता है रेड वाला, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आपने सब्सक्राइब भी कर लिया है तो अभी आपको एक और चीज़ बाकी रहती है कि आपको बेल आइकन दबाना है, साथों साथ आपको सिलेक्ट ऑल करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको हमारे हर एक नए आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, जिससे आप हमसे आसानी से जुड़े रहेंगे और हमारा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे हर एक वीडियो में हम कुछ नया देते हैं, जो दूसरा आपको YouTube में नहीं मिलेगा वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप कोई भी बीमारी हो उससे या तो आसानी से बच पाएंगे, अगर हो चुका है तो उसमें भी आपको बिना दवाई के भी कैसे हैंडल कर सकते हैं वो भी हम गाइड करते हैं, तो जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आपने अगर ये सब कुछ भी कर लिया है तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानकारी ले सकें और अपनी बीमारी से बच पाएँ और वो सुरक्षित रह सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।